जय सिया राम। आज हमारे पास स्टार्टर है जो कि स्लिंग फैन का है, जिसमें कि आज मैं लीड वायर करने का तरीका आपको बताऊंगा। हालांकि लीड वायर का काम करने का बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, हर लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका है सबसे अलग है। क्या होगी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन देख रहे हो तो, या आप अगर अपना खुद से फ़ैन का रिपेयर का काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे कि मतलब हमको ये अनुभव हमारे कंपनी से मिली है, जिससे कि हम ये अनुभव आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। कंपनी कैसे लीडिंग का काम करती है, आखिरकार कंपनी किस तरह से लीडिंग का काम करती है कि उनकी लीडिंग ब्लास्ट भी नहीं होती है और ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग करती है। जैसे मैं बात करूँ तो इसका, तो मैंने एक स्टार्टर को लीडिंग कर रखा है। हालांकि मेरे पास अभी अवेलेबल बहुत सारी स्टार्टर है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए दो ही स्टार्टर लिए हुए। एक स्टार्टर का मैंने लीडिंग का वायर काम कर चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा क्वाइल का फिनिशिंग देख करके बता सकते हो कि हाँ क्वाइल कैसे वाइंडिंग हुई है, जहाँ तक ये हमारी निजी शाम की मशीन वाइंडिंग मशीन से ये वाइंडिंग हुई है, तो इसका ये परफॉर्मेंस देख करके आप बता सकते हो कि आखिरकार इसका काम कैसा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इसमें विशेष रूप से बताने वाला हूँ कि आखिरकार अगर आपको वो लीडिंग के काम करनी है तो आखिरकार उसका लीड वायर कैसे निकाली जाती है, जिससे कि आपकी लीड वायर ज़्यादा दिनों तक वर्क करेगी और जल्द जल्द ख़राब नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ पर विशेष रूप से बात करते हैं। सो मेरे भाई, लीड वायर का काम करने से पहले एक चीज़ ये कन्फर्म से आप लोग देख लेना, कितने लोग क्या करते हैं कि वो फैन को वाइंडिंग करते हैं और एट ए टाइम आपका इस पर वार्निश, एट ए टाइम आपका लीडिंग वायर करते हैं, उसके बाद इस पर वार्निश करते हैं। लेकिन वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा कि आपको फैन वाइंडिंग कर लेना होगा। फैन वाइंडिंग करने के बाद आपको लीड वायर इसकी नहीं निकालनी होगी, पहले इसका अच्छे से वार्निश करना होगा। जैसे ही आप देख सकते हो, हमने इसका अच्छे से वार्निश कर रखा है, जिससे हमारी क्वाइल पूरी परफेक्ट रूप से टाइट हो चुकी है, और इसके बाद हम इसमें लीड वायर करने वाले हैं। रीज़न क्या होता है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं इसका लीड वायर क्लियर कर लेता हूँ। किसी भी एक स्टार्टर को मैं ले लेता हूँ, तो हालांकि मैं एक यही स्टार्टर को ले लेता हूँ, और इससे आप लोग देखोगे तो प्रॉपर चार वायरें हमारी निकल करके बाहर आती है, दो स्टार्टिंग और दो रनिंग के आ जाते हैं। स्टार्टिंग का आपका क्वाइल नीचे वाला हो जाता है और रनिंग का क्वाइल आपका ऊपर वाला हो जाता है। तो चारों क्वाइल को ओपन करते हैं, उसके बाद में इसका रीड भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी क्वाइल में कितनी रीड होने से कन्फर्म रूप से ये कह सकते हो कि आपकी क्वाइल ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग करेगी। क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन के पास जाते हो तो कम क्वाइल डाल देने के वजह से भी फैन आपकी चलती रहेगी, लेकिन आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी और आपकी क्वाइल जो है ज़्यादा दिनों तक रन नहीं कर पाएगी। तो चलिए आज मैं विशेष रूप से यही बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इस स्टार्टर को लिया, इसमें से चार वायरें हमारी निकल करके आती है, तो ये हमारी दो रनिंग की स्टार्टिंग की हो जाती है और ये दो हमारी रनिंग की हो जाती है। यानी कि जो बाहर वाली क्वाइल होती है आपका रनिंग का क्वाइल होता है, और जो अंदर का क्वाइल होता है आपका स्टार्टिंग का क्वाइल होता है। तो सर्वप्रथम तो इस क्वाइल को साफ़ की जाती है। कितने लोग साफ़ करने के लिए आपको ईसोल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह का ईसोल होता है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ईसोल ये खत्म हो चुकी है, जिसके कारण से हम इसको एक ब्लेड और एक कैंची के सहारे से साफ करने वाले हैं। तो इस तरह की कैंची हमने ले रखा है, जो कि देखने से ये लगती है कि ये सैलून वाले की कैंची होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आसानी रूप से इससे साफ़ हो जाती है, इससे हमने इसको ले रखा है, और इसको टेढ़े से करते हुए हम इसको आसानी से, ऐसे देखो, आसानी रूप से इसको हम साफ़ कर देंगे। तो चारों के चारों वायर को अच्छे तरीके से साफ़ की जाती है। अगर इसमें से कोई भी लेपिंग रहती है, इसमें से कोई भी इंसुलेशन रहता है, तो आपकी वायर की संपर्क अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से आपकी रीडिंग भी परफेक्ट रूप से नहीं आ सकती है। तो सर्वप्रथम तो हम चारों वायर को अच्छे ढंग से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसका रीड के बारे में बात करेंगे। चलिए, हमारी चारों के चारों वायर लगभग साफ़ हो चुकी है फ्रेश रूप से। और एक चीज़ ये, इस वीडियो की हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक भी टॉपिक मिस करते हो तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। लीडिंग से लेकर के आपका बार्निश तक, बार्निश से लेकर के आपका रीडिंग तक, सारी की सारी इसमें टिप्स जो है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हो जाती है। तो इसमें स्लीव इस्तेमाल करना होगा आपका एक नंबर सपोर्ट वायर के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि इसमें से लीड वायर जो पतली निकली रहती है उसको सपोर्ट करने के लिए एक नंबर स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में ये चार से स्लीव ऐसे काट लेना होगा, एक नंबर का चार फुट इतना बड़ा सा काट लेना होगा, और चारों स्लीव को चारों में पहना लेना होगा। ये स्लीव पहनाने के बाद में अब बारी आती है आपका दो नंबर स्लीव लेने का। तो दो नंबर स्लीव भी आपको कुछ इतना बड़ा बड़ा सा काटना होगा। ज़्यादा बड़ा करोगे तो फिर आपकी लीड वायर जो होगी बड़ी साइड पीछे के साइड से दिखने लगेगी, इसलिए आपको छोटे छोटे से लीड वायर लेना होगा। तो आपको दो नंबर का कुछ इतना बड़ा बड़ा सा चार टुकड़ा ले लेना होगा, ये भी दो नंबर स्लीव का होता है। उसके बाद बारी आती है आपका लीड वायर का। तो लीड वायर कितने लोग आप देखोगे तो ये बोलेंगे कि भाई साहब ये लोकल वायर लीड वायर है, लेकिन ये लोकल नहीं है, ये 10-2 ओरिजिनल वायर है। आपको कभी भी लीड वायर करने के लिए 10-2 ओरिजिनल वायर का ही इस्तेमाल करना होगा। तो आपको दोहरे साइड करके कि इतना साइज़ का आपको कट कर लेना होगा, और इसको थोड़ा सा छील करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको फ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कि इसकी वायर की जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी मोटी मोटी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है। वायर दिखने में पतली होती है, लेकिन इसकी जो अंदर की जो फिनिशिंग होती है और इसकी अंदर की जो वायर होती है वो काफ़ी लाजवाब होती है। आप इसी वायर को देख करके अनुमान कर सकते हो कि इसके अंदर जो वायर होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप वायर होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वायर होती है। तो कभी भी आप सीलिंग फैन का मतलब लीड वायर लेने के लिए कभी भी आप इस तरह का 10-2 वायर इस्तेमाल करो, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप और काफ़ी इंपॉर्टेंट वायर होती है।
तो इस वायर से हम इसको, अब इसी वायर को हम चारों के इस होल से, इस पाइप होल से हम नीचे के साइड से इन करेंगे। तो उसके बाद में ये चारों के चारों लीड वायर जो होती है इसके अंदर, मतलब टेंट टू के अंदर, ये एक नंबर दो नंबर जो स्लीव होता है इसको लगा लेना होगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा, इसमें आपको दो रेड और दो ब्लैक आपने छोड़े हैं, तो जो रेड वाला वायर है कभी भी आपका आगे के साइड ये वाले कॉइल से कनेक्ट करना होगा, यानी कि रनिंग के साथ कनेक्ट करना होगा। और जो दो ब्लैक होगा वो आपको स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट करना होगा। ये डिपेंड नहीं करती है कि आपको पहले रनिंग का करना होगा या स्टार्टिंग का करना होगा, किसी भी वायर को पहले कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, जो आगे की रनिंग की साइड होती है वो आपका कभी भी रेड वायर पर होना चाहिए, और जो आपका नीचे के साइड स्टार्टिंग साइड होती है वो आपका कभी भी ब्लैक साइड पर होना चाहिए। तो हम किसी भी एक वायर से इसका कनेक्टिविटी शुरू करते हैं। तो जैसे मैं इसका पहले आपका स्टार्टिंग वायर को ही हम कनेक्ट कर लेते हैं, और इसका जो कनेक्टिंग होता है ऐसे 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 करके हर एक वायर को एक लेयर से दे करके, और इस पूरी वायर को ढक दी जाती है, जिससे आपकी वायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। और इतना तक ढकने के बाद में जो इसमें एक्स्ट्रा वायर होती है इसको कट कर ली जाती है, और कट करने के बाद में सेम अपलाइन सारी की सारी जो वायर होती है इसी तरह से कनेक्ट की जाती है। कितने लोग आपको ऐसे ऐसे करके ज्वाइंट कर लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना होगा आपकी, वैसा करने से आपकी वायर कमज़ोर पड़ जाती है। और इसको आपको हर एक लेयर में बैठाने से आपकी वायर की जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है। तो ऐसे करके आपकी पूरी की पूरी, मतलब पूरी वायर को ऐसे कनेक्ट कर लेना होगा, चारों वायर को। चारों वायर कनेक्ट करने के बाद में आपको इस पर कोई भी सोल्डिंग वगैरह नहीं करनी होगी। सोल्डिंग उस जगह पर की जाती है जहाँ पर आपका लीड वायर छोटा पड़ जाता है, यानी कि जो क्वाइल से जो लीड वायर निकलती है वो छोटा पड़ने के बाद में आपको सोल्डिंग करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। लेकिन इसमें कोई भी सोल्डिंग नहीं करना होगा, ताकि आपकी वायर पूरी परफेक्ट है। उसके बाद में इसमें चारों के चारों लेयर में आपका परफेक्ट रूप से स्लीव लगा देना होगा, और स्लीव लगाने के बाद में जो इसमें एक्स्ट्रा वायर होती है इसको ऊपर के साइड से ऐसे खींच लेना होगा बाहर, और आपकी जो लेयर वायर होगी आपकी परफेक्ट रूप से जा करके ऐसे देखो बैठ जाएगी। उसके बाद में एक लेना होगा आपका इस तरह का ग्रीन सीट, और इसमें से आपको अपने एडजस्ट के अनुसार में, और एडजस्ट के अनुसार इसमें से आपको एक टुकड़ा सा कट कर लेना होगा। मैंने इतना सा टुकड़ा कट कर लिया हुआ है। उसके बाद में इसके नीचे ये, मतलब जो ग्रीन सीट आपने काटे हैं इसके नीचे लगा देना होगा, और कॉइल के ऊपर तक होनी चाहिए, इस स्टार्टिंग कॉइल के ऊपर तक होनी चाहिए। और उसके बाद में इसमें लेना होगा एक टाई सीट, जो कि एक नंबर की होती है, जीरो साइज़ की आपको टाई सीट लेकर के, और इसको पीछे के साइड से खींच करके ऐसे बैंड कर लेना होगा। उसके बाद में एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ अभी, देखो बैंड करने के बाद में आपको कट कर लेना होगा, और उसके बाद में आप देखोगे तो एक चीज़ ये मैं बताऊं कि आपको जो ग्रीन सीट कभी भी होना चाहिए, आपका ग्रीन सीट जो कि आपने कॉइल के नीचे लगाई है कभी भी ये स्टार्टिंग कॉइल के ऊपर तक चढ़ी होनी चाहिए। दूसरे लोग, कितने लोग क्या करते हैं इसको ऐसे करके और इसी कॉइल पर बांध करके ऊपर के साइड ले करके चले जाते हैं। डिफेंस उससे ये हो जाती है, जब आपकी कॉइल हीट होती है तो आपका ब्लास्ट होने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं। दूसरा चीज़ ये मैंने जैसे आपको फर्स्ट में ही बताया कि इसका आपको लीडिंग करने से पहले बार्निश करना होगा, और बार्निश करने के बाद भी आपका लीडिंग की जाती है। रीज़न क्या होता है, सर्वप्रथम तो मैं इसका आपका रीडिंग दिखा दूँ, और रीडिंग बताने के बाद में आपको इसका बता देता हूँ कि आखिरकार इसका प्रॉब्लम क्या होता है जिसके कारण से आपको लीड वायर कनेक्ट करने से पहले आपका इसका बार्निश करनी पड़ती है। तो आपको मतलब इसका रीडिंग टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर आपको कंटिन्यूटी पर होनी चाहिए, और कंटिन्यूटी पर होने के बाद में आप लोग थोड़ा सा मल्टीमीटर पर ध्यान देना कि हमारे मल्टीमीटर की कितनी रीडिंग होनी चाहिए। कम से कम आपका जो इसका रनिंग स्टार्टिंग का कॉइल होता है कम से कम इसमें 200 से ऊपर की रीडिंग होनी चाहिए, और जो रनिंग का कॉइल होता है कम से कम 230 से ऊपर की रीडिंग होनी चाहिए, तभी आपकी कॉइल परफेक्ट रूप से चल पाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो इसका रीडिंग, आपका रनिंग स्टार्टिंग कॉइल का रीडिंग आपका 244 आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप आपका फैन चलेगी, और इसमें कोई भी कॉइल का शिकायत नहीं आने वाला है। दूसरा चीज़ मैं बात करूँ इसका रनिंग कॉइल का, तो रनिंग कॉइल आप देख सकते हो 294, यानी कि आपका स्टार्टिंग कॉइल का कम से कम 200 रीडिंग होने चाहिए, और आपका रनिंग कॉइल का स्टार्टिंग कॉइल का 200 रीडिंग, और रनिंग कॉइल का आपका कम से कम 230 होनी चाहिए। तो 230 के बजाय आपका 294, जो कि काफ़ी गुड कंडीशन है, और इसका आपका 200 के बजाय आपका 244 है, जो कि काफ़ी गुड कंडीशन है। अब मैं बात करता हूँ आखिरकार इसका बार्निश पहले क्यों की जाती है, क्योंकि जब आप बार्निश कर देते हो तो आप लीडिंग करके साथ बार्निश करते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होती है, बार्निश की कुछ कोण आपके अंदर तक चली जाती है, जिससे आपकी स्लिवरिंग जो होती है दब जाती है, और बाद में रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, और यहाँ पे ब्लास्ट होने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं, क्योंकि बार्निश ज्वलनशील होती है, और बार्निश सूखने के बजाय आपका जो पेपर लगा रहता है पेपर के अंदर, मतलब पघिल के रह जाता है, जिसके कारण से आपका शॉर्ट सर्किट लगने के ज़्यादा संकेत रहते हैं। तो इसलिए पहले आपका बार्निश करके एक दिन छोड़ दे, उसके बाद में आपका इसका टैपिंग करें, इसका लीडिंग करें, काफ़ी परफेक्ट रूप से होगा। और लीडिंग आपका कभी भी इस तरह से करी जाती है, जिससे कि आपकी फैन जो होगी काफ़ी अधिक दिनों तक चलेगी। सो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी आपका लीडिंग का प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका, कॉइल हमारी कैसे बैंडिंग हुई ये जो भी बताना। अगर किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी से दिख रही है, फॉलो करके बिल्कुल हमसे मैसेज में बात भी कर सकते हो। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।